हेलो एवरीवन, दिस इज मनमोहन तिवारी एंड यू वाचिंग अवर चैनल फिनेंशियल पंडित। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। हर एक दिन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। वाकई में आप चाहते हो वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिले, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज है संडे और संडे के दिन कुछ कमेंट बॉक्स से मैं आपके लिए क्वेरी लेके आता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, बहुत ऐसे क्वेरी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समय के चलते मैं सारे क्वेरी को यहाँ पे ले नहीं सकता, यहाँ पे 4 से 5 क्वेरी ले सकता हूँ जो मैं लेके आया हूँ आज संडे के दिन। चलो क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेरी लेते हैं, वो बंसारी लाल जी के साइड से है। वो पूछ रहे हैं, सर एक्सिस ब्लू चिप बहुत स्लो है। देखो, एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो हमेशा देखा गया है, अगर हम 2 साल के डाटा को देखें, 3 साल 5 साल सिंस इंसेप्शन अगर रिकॉर्ड को देखें, तो हमें देखने को मिला है कि हमेशा इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है, अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस के रिटर्न को बीट किया है। वहीं पे अगर रैंक विद इन कैटेगरी देखें तो हमेशा अपने कैटेगरी में 2 से 3 नंबर पे अपने रैंक को मेंटेन किया है। लेकिन 1 साल के डाटा को देखें, यहाँ पे 1 साल में हमें देखने को मिला है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है, ये थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं किया है, और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के रिटर्न की बात करें तो वो भी बीट करता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपली इसको रिसर्च करें तो हमें देखने को मिला है कि 2020 सितंबर के पहले इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी स्ट्रांग था, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा था। सितंबर 2020 के बाद डाटा चेंज हुआ, मार्केट में हमें तेजी देखने को मिला, सेंसेक्स और निफ्टी में हमें रिकवरी देखने को मिला, लेकिन ऐसे म्यूचुअल फंड में खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। सितंबर 2020 के बाद जो है हमें डाटा चेंज देखने को मिला है। हमें यहाँ पे सितंबर 2021 तक का टाइम देना चाहिए। सितंबर 2021 के बाद भी अगर हमें देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस वीक है, तो हम वहाँ पे कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अभी करेंटली अगर इस म्यूचुअल फंड का आपके सामने कुछ डाटा रखूँ, तो आप देख सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन के डाटा को देखें तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। देखो, एब्सोल्यूट रिटर्न देखें 2.62% है और कैटेगरी एवरेज में 2.23% है। इट मींस कैटेगरी एवरेज बीट कर रहा है और म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट किया। रैंक विद इन कैटेगरी यहां पे सुधरता हुआ दिख रहा है, 6th नंबर पे है आउट ऑफ 32। हमें अभी कोई भी इस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेना है। आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कंटिन्यू रखें। मुझे आशा है कि इस म्यूचुअल फंड में आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो ये म्यूचुअल फंड अपने हिस्टोरिकल टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, 2 साल 3 साल और 5 साल और सिंस इंसेप्शन में, वो भी आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नहीं हुआ 2021 के बाद, सितंबर 2021 के बाद, तो हम कोई स्ट्रांग डिसीजन लेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे AKT के साइड से है। ये पूछ रहे हैं, सर एक्सपेंसेस रेशियो कब और कैसे काटा जाता है म्यूचुअल फंड में, से इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो हर दिन इसका कैलकुलेशन होता है और हर दिन एक्सपेंसेस रेशियो काट लिया जाता है। कहने का मतलब, देखो अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM यहाँ पे 5000 करोड़ है, फॉर एग्जांपल 5000 करोड़ है, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशियो 2% है, तो यहाँ पे साल का 100 करोड़ उस फंड से डिडक्ट किए जाएंगे। इट मीन्स जो टोटल म्यूचुअल फंड का AUM है उससे डिडक्ट किए जाएंगे। देखो, साल का साल तो नहीं करता, ये हर दिन इसका कैलकुलेशन होता है। जो आप डेली NAV का प्राइस देखते हो, उसमें ऑलरेडी आपका एक्सपेंसेस रेशियो माइनस होके और जो NAV का कैलकुलेशन, जो NAV का प्राइस आता है, वो आपके सामने रख दिया जाता है। तो डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस रेशियो यहाँ पे डिडक्ट होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी बैंकिंग जी के साइड से, एक चैनल का नाम लग रहा है, लमसम के लिए कौन सा फंड चूज करें अभी रिप्लाई दीजिए। देखिए, लमसम के लिए इस समय, देखो मार्केट को कोई नहीं जानता, मार्केट को कोई यहाँ पे सर्टेन होके नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर जाएगा या 300 पॉइंट का गिरावट देखा जाएगा, कोई भी गारंटी के साथ नहीं बता सकता। हाँ, एग्जैक्टली हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं डाटा के बेसिस पे, हम थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन, जो अभी करेंट सिनेरियो चल रहा है, न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा अनुमान लगा सकते। कई बार आप जो रिसर्च करते हो वो रिसर्च गलत भी हो सकता है, तो हमें इस समय बहुत सेफ मोड में चलना है। ऐसा डिसीजन लेना है कि हमारा जो पैसा है
वो बचा रहा है उसमें नुकसान ना देखने को मिले। सबसे पहले अगर अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो फार्मा सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है उसमें तेजी देखने को मिल रहा है, हम वहाँ पे लमसम कर सकते हैं। अगर अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो इंटरनेशनल फंड्स में हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, हम वहाँ पे लमसम कर सकते हैं। इस करंट सिनेरियो में जो भी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है हम उसमें यहाँ पे लमसम कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के फैक्टर को देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर फार्मा सेक्टर के फंड की बात करें हाई रिस्क है, इंटरनेशनल फंड की बात करें हाई रिस्क है, तो आपको रिस्क के फैक्टर को देखना पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं करूँ, अगर आप लमसम करना ही चाहते हो, मान लो कोई लार्ज कैप फंड है, कोई यहाँ पे आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, फ्लैक्सी कैप है, वैल्यू ओरिएंटेड है, फोकस्ड फंड है, कोई भी फंड है, किसी भी फंड में अगर आप लमसम करना चाहते हो, आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपको नुकसान नहीं होगा। स्ट्रैटेजी क्या होगा, मैंने कई बार आपको बताया है, गिरावट में जहाँ आपको दिखे कि यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी में 1000 के करीब में अभी के गिरावट देखने को मिल रहा है और आपके NAV के प्राइस में भी यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत लमसम करें, धीरे धीरे करें, गिरावट में करते जाएं, यही स्ट्रैटेजी काम आएगा। अगर मान लो अभी के टाइम में आपके पास 1 लाख रुपये, आपने 1 लाख रुपये का लमसम किया 1000 पॉइंट के गिरावट पे, सिर्फ क्या गारंटी है कि वो वहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा? गिर सकता है, जो करंट सिचुएशन है उसमें और भी गिरावट हो सकता है। ये मार्केट है, इन्वेस्टर को लालच देता है, आज के दिन में ग्रीन है, 2 दिन ग्रीन दिखा दिया, तीसरे दिन 2 दिन का जितना ग्रीन हुआ तीसरे दिन उतना रेड देखने को मिलेगा, बराबर में हो गया, वहीं पे मार्केट पहुंच गया। तो आपको लालच में नहीं फंसना है, तो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना है और लमसम करना है। हाँ, अगर आप लमसम करना चाहते हो तो जो मैंने फंड आपको बताए कि इस कैटेगरी के फंड पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन रिस्क के फैक्टर को आप जरूर जांच कर लें। चलिए बढ़ते अगले क्वेरी की तरफ। अगला क्वेरी यहाँ पे कैलाश जी के साइड से है, ये पूछ रहे हैं, प्लीज़ गिव मी सम वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड इन विच आई वांट टू इन्वेस्ट। कैलाश जी देखिए, वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे वैसा फंड देखना पड़ेगा जिस हर कैप का आपको स्टॉक देखने को मिले, हर कैप का स्टॉक का परसेंटेज थोड़ा सा उसमें देखने को मिले, दूसरा इंडस्ट्री हर सेक्टर से कोई ना कोई स्टॉक उसमें देखने को मिले, बड़े बड़े सेक्टर है कम से कम वैसे सेक्टर से तो स्टॉक्स देखने को मिले। तो अगर हम मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का परसेंटेज देखें तो आज के डेट में मल्टी कैप में यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% और 25% का रेशियो है, इट मीन्स मिड कैप, लार्ज कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप का परसेंटेज है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें डाइवर्सिफाई देखने को मिल सकता है। रही बात सेक्टर वाइज, तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको सेक्टर वाइज भी कई स्टॉक देखने को मिलेंगे, जैसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक देखने को मिलेंगे, बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर का स्टॉक देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आईटी सेक्टर का स्टॉक देखने को मिलेंगे, ऑटो सेक्टर का स्टॉक देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर सेक्टर वाइज भी वेल डाइवर्सिफाई है और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है, तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड पे फोकस कर सकते हो। अब कौन सा मल्टी कैप, देखो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा था, क्वांट एक्टिव फंड। क्वांट एक्टिव फंड में यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी वेल डाइवर्सिफाई चाहते हो, इट मीन्स कि कुछ वहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी रेशियो हो, तो यहाँ पे मैं आपको पराग पारिक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड का नाम लूँगा। देखो उसमें लार्ज कैप का भी परसेंटेज है, मिड कैप का भी है, स्मॉल कैप का भी है, इंटरनेशनल यहाँ पे रेशियो है, इंटरनेशनल इक्विटी का भी यहाँ पे रेशियो है। कुल मिला के यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि सेक्टर वाइज, इट मीन्स कि बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है यहाँ पे, आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, सेक्टर वाइज भी वेल डाइवर्सिफाई है। तो इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में जाए, और अगर आपको जो मैंने बता दिया इंटरनेशनल एक्सपोजर का नहीं चाहिए तो यहाँ मल्टी कैप को आप फोकस कर सकते हैं, मल्टी कैप में यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो रिस्क का फैक्टर है, ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क का फैक्टर हाई है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख लेना। वेल डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड आपको मैंने बता दिया। तो ये था आज का वीडियो, एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेरी थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने रखा। देखो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं उनके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ या फिर संडे के दिन उनके कमेंट को लेके नहीं आ पाता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप लोग नाराज़ ना हो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपकी क्वेरी को आपके सामने रखें। और हाँ, अभी जो करेंटली हमारे फैमिली मेंबर है 21,000 के करीब में है, और इस मंथ में जो टारगेट है 25,000 का हमारा फैमिली मेंबर का टारगेट है, और ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है।
मुझे आशा है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करोगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।